हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वर्ड के बारे में अगेन बात करेंगे जो कि काफ़ी यूज किया जाता है और हम इसको रोज यूज करते हैं, और इसको आप सीखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अक्सर हम बोलते हैं ना, ये काम करते रहो, जैसे कि वह ऐसे काम करते रहता है, जैसे कि वह रोते रहता है, वह हंसता रहता है, वह बहस करती रहती है, वह लड़ता रहता है, तुम लड़ते रहते हो, ठीक है, तुम खाते रहते हो, तुम खेलते रहते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है उसको किस तरह बोलते हैं, ठीक है। इसको पास्ट में यूज करते हैं तो कैप्ट यूज करिए, और अगर प्रेजेंट का यूज करना है तो कीप ऑन यूज करिए। उसके बाद आपको मैन वर्ब रहती है उसकी आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसकी स्ट्रक्चर रहेगा कीप ऑन, ठीक है, कीप ऑन। तो उसके बाद आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना है आपको कीप ऑन। इसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे तो किस तरह यूज किया जाता है। अब इसको अच्छी तरह समझिए और अपने डेली लाइफ में यूज करिए, कुछ सेंटेंसेस बना के देखिए ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इसके कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। कीप ऑन रहता है, ते रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हो। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम रोते रहते हो, तो यू कीप ऑन। इसके बाद आपको बीपी, ठीक है, आप रोते रहते हो, तो यू कीप ऑन रो बीपी। अक्सर आप बोलते हो आप ऐसे काम करते रहते हो, तो यू बी यू कीप ऑन बीपी। तो सेकंड एग्जांपल है, वह बहस करती रहती है, तो सी कीप्स ऑन आर्गुइंग, सी कीप्स ऑन, थर्ड पर्सन इसमें ऐसे ही लगता है, तो सी कीप्स ऑन आर्गुइंग, मैं उसे बुलाता रहा, मतलब ये पास्ट का काम है, मैं ऐसा करता है। तो आई केप्ट ऑन कॉलिंग हिम, मैं उसको बुलाता रहा, तो आई केप्ट ऑन कॉलिंग हिम, वह उसे समझाता रहा था, ही कैप्ट ऑन मेकिंग हर अंडरस्टैंड, वह उसको समझाता रहा, तो ही कैप्ट ऑन मेकिंग हर अंडरस्टैंड। इसका एक और मीनिंग होता है, अक्सर आप सुनते हो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तो आप बोलोगे कीप 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 ऑन में लगाना, यहाँ पे कीप लाफिंग। कीप लाफिंग, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, तो कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है, आते रहो, तो कीप कमिंग, ओके, कीप कमिंग, सीखते रहो, तो कीप लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह हम कीप का यूज करते हैं, दो तरह से यूज कर सकते हो इसका, रहो इसका यूज सेकंड यूज करते हैं, रहो ये काम करते रहो, इस तरह भी हम कीप ऑन का यूज करते हैं। तो इस तरह कीप ऑन का यूज किया जाता है। पास के लिए आप कैप्ट ऑन यूज करिए, और आपकी जो मेन वर्ब रहेगी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। कीप ऑन के बाद आपको फोर्थ फॉर्म यूज करना है, कीप ऑन के बाद फोर्थ फॉर्म, कीप ऑन के बाद फोर्थ फॉर्म, इसमें यहाँ भी आपको कीप देंगे, उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। इस तरह आपको कीप ऑन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आज की क्लास मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में।